हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तराखंड पीआरटी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग फॉर्म फॉर्मेट आ रहा है और आपको जो फॉर्म है वो फिलअप करके इसके कार्यालय में भेजना है। तो आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करके एनवेलप में भेजना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ए फोर साइज का एनवेलप ले लेना है जिसके ऊपर आपको मोटे अक्षरों में लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए, आप जिस भी जनपद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे आप अगर देखिए बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, जिस भी जनपद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, आपको विज्ञप्ति संख्या लिखनी है। हर एक जनपद के लिए अलग अलग विज्ञप्ति संख्या है, तो आप जिस भी जनपद के लिए आवेदन करेंगे उसकी विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे इसका एड्रेस, सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अल्मोड़ा के लिए आवेदन किया है तो मैंने अल्मोड़ा लिखा हुआ है। बाकी एड्रेस सभी में सेम है सभी जनपदों के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ पर जनपद चेंज कर लेंगे और बाकी आप इस तरीके से एड्रेस नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आवेदक को अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड लिखा है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, साथ ही यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड, साथ ही आपको अपना फोन नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा, तो अपना मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, एक छोटा एनवेलप लेना है जिसमें आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड लिखा है तो ये एग्जांपल के लिए है, आप लोग यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लेंगे। साथ ही देखिए, आपको यहाँ पे 30 रुपए के जो डाक टिकट है वो भी यहाँ पर चिपकाने हैं। इसके बाद देखिए, आपको इसमें अपना कंप्लीट एड्रेस और डाक टिकट चिपकाने के बाद इसे अपने डॉक्यूमेंट के साथ ही A4 साइज के इसी एनवेलप के अंदर भेजना होगा। इसके बाद देखिए, आपको अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लेना है। आप जिस भी जनपद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे देखिए अलग अलग जनपद का फॉर्म फॉर्मेट अलग अलग है, तो आप फॉर्म फिल कर लेंगे और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं और उनमें देखिए आप सेल्फ अटेस्टेड लिखिए, अपने सिग्नेचर करेंगे और साथ ही उसमें डेट भी डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट का सेटअप बना सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो सेल्फ एड्रेस वाला आपका छोटा एनवेलप था इसको भी आपने इसके साथ रखना है और इस A4 साइज के एनवेलप में आपको इनको रख के स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री द्वारा कार्यालय में भेज देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप अपने और फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।